क्रिकेट को जेंटलमैन गेम्स भी कहा जाता है, लेकिन समय समय पे इस खेल पर काला धब्बा लगता आ रहा है। खिलाड़ियों के साथ नस्ली टिप्पणी कोई नई बात नहीं रह गई है। आए दिन किसी न किसी क्रिकेटर को इस तरह की गालियों से दो चार होना भी पड़ता है। ताजा उदाहरण टीम इंडिया का है, जहां सिडनी के दौरान नशे में धुत फैंस ने मोहम्मद सिराज को जसप्रीत बुमराह पर नस्ली टिप्पणी की है। 21वीं सदी में हुई ऐसी हरकतों से क्रिकेट शर्मसार है। क्रिकेट जगत में ये बात कई बार हुई है। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसने क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है। आज से ठीक 13 साल पहले की उस कहानी के साथ विवाद की वो 5 किस्से भी आपको बताते हैं जब जेंटलमैन गेम्स बदनाम हुआ है। पहला किस्सा है डैरन लीमन की बदतमीजी का। ऑस्ट्रेलिया के डैरन लीमन ने 2002-03 में वनडे सीरीज के दौरान श्रीलंकाई टीम पर नस्ली टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्हें 5 वनडे मैचों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। हालांकि बाद में लीमन ने अपनी उस गलती पर खेद व्यक्त किया और उसे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करार दिया। दूसरा किस्सा सरफराज की बदजुबानी का है। साल 2019 की बात है, डरबन में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे खेला जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पारी के 37वें ओवर के दौरान पाक कप्तान सरफराज अहमद ने फैलू कुआवे पर नस्ली टिप्पणी की। सरफराज ने फालूक वायो को कहा, अबे काले तेरी अम्मी कहाँ बैठी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी कहा जो स्टंप माइंग में कैद हो गया। नस्ली कमेंट के आरोप में आईसीसी ने सरफराज को 4 मैचों के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। तीसरा किस्सा है मंकी गेट विवाद 2008 से। आज से ठीक 13 साल पहले 2008 का मंकी गेट आपको याद होगा, जब ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स ने टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह पर नस्ली टिप्पणी करने का झूठा आरोप लगाया था। भज्जी को कसूरवार माना गया और बैन तक लगा दिया गया। एक तरफा कार्यवाही ने खिन्न बीसीसीआई ने बाद में सीरीज बहिष्कार की धमकी दे डाली। हरभजन पर लगा आरोप हटाया गया। आपको बता दें कि इस घटना ने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये घटना वहां की अदालत, दोनों क्रिकेट बोर्ड, मीडिया समेत हर कोई शामिल हो गया था। वहीं चौथा किस्सा गिलक्रिस्ट ने लगाए थे राशिद लतीफ पर आरोप। ऑस्ट्रेलियाई टीम विपक्षी टीम पर गलत आरोप लगाने में परंपरागत है। क्रिकेट में खेल भावनाओं को बढ़ावा देने की वकालत करने वाले एडम गिलक्रिस्ट का दामन भी साफ नहीं है। गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तानी विकेटकीपर राशिद लतीफ पर 2003 में विश्व कप के दौरान नस्ली टिप्पणी का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में लतीफ को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। वहीं पांचवा किस्सा भी कंगारू से ही जुड़ा है, जब कंगारू खिलाड़ी ने मोइन अली को कहा था ओसामा बिन लादेन। जी हाँ, इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पर नस्ली टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। मोइन अली ने अपनी आत्मकथा में इस बात का खुलासा किया था, 2015 एशेज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने उनके खिलाफ नस्ली टिप्पणी की थी। कंगारू खिलाड़ियों ने मोइन अली को ओसामा कहा था।